नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ के साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मिल रही है अंबिकापुर से, जहां सांसद कमल भान के बेटे देवेंद्र की गुंडई का ये मामला है। देवेंद्र प्रताप ने एक पत्रकार को धमकी दी थी, पत्रकार के परिजनों के साथ मारपीट की थी और न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और सांसद कमल भान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, अंबिकापुर से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी सांसद कमल भान के बेटे देवेंद्र की गुंडई के मामले में न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और क्राइम ब्रांच ने संज्ञान लेते हुए बीजेपी सांसद के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, देवेंद्र प्रताप ने पत्रकार को धमकी दी थी, पत्रकार के परिजनों के साथ मारपीट की थी और इसी के चलते क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सांसद कमल भान के बेटे हैं देवेंद्र, जिनकी गुंडई का वाकया सामने आया था। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर, पत्रकार के परिजनों के साथ मारपीट की थी, पत्रकार को धमकी दी थी और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई। क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर मिल रही है भिलाई से, जहां 10 लाख के नकली नोट जब्त किए गए हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रिंटर भी जब्त किया गया है। 500 और 2000 के नोट नकली निकले थे बाजार में, ये लोग इन्हें खपाने की फिराक में थे। और भिलाई से ये बड़ी खबर, जहां 10 लाख के नकली नोट जब्त कर लिए गए हैं, साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है और प्रिंटर को भी जब्त कर लिया गया है। 500 और 2000 के नकली नोट थे और इन नकली नोटों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां 10 लाख के नकली नोट जब्त कर लिए गए हैं, साथ ही प्रिंटर भी जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी खबर भिलाई से इस वक्त आपको दे रहे हैं। दो आरोपी गिरफ्तार हैं, पुलिस पूछताछ में जुटी है। 500 और 2000 के नोटों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाजार में खपाने की फिराक में ये आरोपी थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही नोट छपाने वाले प्रिंटर को भी जब्त कर लिया गया है। आज छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। कर्मचारी अपने वेतन भत्तों और सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि बीजेपी ने साल 2013 में अपने पार्टी घोषणा पत्र में उनसे जो वादे किए थे वो अभी तक अधूरे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक अब राज्य में चुनावी आचार संहिता लगने में चंद महीने ही बचे हैं, इसके बावजूद बीजेपी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। आज से प्रदेश में सभी 27 जिलों में कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे। सरकार के लगभग 52 विभागों में प्रदेश स्तरीय इस हड़ताल से पूरा सरकारी कामकाज ठप रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने प्रदर्शनकारी संगठनों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है।